में श्रीमद ऋषभ देव जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह के अंतिम दिवस में चिलकाना रोड स्थित अयोध्या नगरी में मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संघ के मंगल सानिध्य में संपन्न की गई। मोक्ष कल्याणक पूजा हवन पूर्ण आहुति विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की गई। वहीं आज पंच कल्याणक समाप्ति के पश्चात आचार्य श्री संघ जानकी धाम में नवनिर्मित मंदिर जी के लिए विहार कर गए। मांगलिक अनुष्ठान में नकुड विधायक मुकेश चौधरी, विख्यात समाज सेवी महेंद्र तनेजा, पार्षद मयंक गर्ग, नीरज शर्मा, वीर सेन, रेड क्रॉस सोसाइटी के देव सुमन, रामलीला कमेटी से माई दयाल ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इसी दौरान मुकेश चौधरी ने जनपद के प्रत्येक व्यक्ति की सुख समृद्धि हेतु कामना करते हुए देश विकास के पथ पर अग्रसर हो ऐसे आशीर्वाद की आकांक्षा की। महेंद्र तनेजा ने देश में सुख शांति रहे ऐसा आशीष देने की प्रार्थना की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, जन जन के सातिश्य पुण्य से पंच कल्याण प्रतिष्ठा समारोह की मांगलिक क्रियाएं परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संघ के मंगल सानिध्य में सानंद पूर्ण हो गई है। प्रतिष्ठा महोत्सव में सक्रिय सहभागिता के लिए युवाओं, महिलाओं, संगठनों, शुभकामना परिवार, जैन मिलन, चौधरी गण, पंचान समिति के सदस्य, पंच कल्याणक महोत्सव समिति के पदाधिकारियों का इस दौरान धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे हम नई अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।